सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है जो 5 जून से और 16 जून गंगा दशहरा तक चलेगा। आज हमारे गुनौर विधानसभा के नचना ग्राम पंचायत चौमुखनाथ में जो है जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ऐतिहासिक और पारंपरिक तालाब कुआं बावड़ी नदी इनका जीर्णोद्धार प्रदेश सरकार के अभियान के तहत किया जा रहा है। निर्देशों में आज जल गंगा संवर्धन अभियान जो कार्यक्रम नचना ग्राम पंचायत में किया जा रहा है उसमें गुनौर के सत्तारूढ़ी विधायक जो है डॉक्टर राजेश वर्मा जो है शिरकत करने वाली हैं और वरिष्ठ नेता हैं मदन मोहन पांडे, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हरेंद्र त्रिपाठी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, मातृशक्ति हैं, बड़ी संख्या में उपस्थित होने की संभावनाएं हैं और बड़ी यहां सुचारू ढंग से ग्राम पंचायत नचना द्वारा पेयजल व्यवस्था से लेके आए हुए लोगों को व्यवस्थाएँ की गई हैं, पेयजल जैसे व्यवस्थाएँ की गई हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का यही उद्देश्य है कि जो हमारे ऐतिहासिक नदी तालाब हैं और पारंपरिक नदी तालाब हैं इनका जो है प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा अभियान चलाया जा रहा है कि जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आज डॉक्टर राजेश वर्मा जो गुनौर विधायक हैं विधानसभा से वो आ रहे हैं और आगे का हाल हम दिखाएंगे कि डॉक्टर राजेश वर्मा क्या कह रहे हैं। उनके साथ में जनपद सीओ हैं वो रहेंगे और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ के जो है इंजीनियर हैं वो भी रहेंगे। हम आपको आगे के हाल दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और डॉक्टर राजेश वर्मा जो विधायक हैं गुनौर विधानसभा के उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के द्वारा क्या संबोधन किया है और जनता के से जानकारी लेंगे कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या भारत में जल गंगा प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हमारे ऐतिहासिक और पारंपरिक जो कुआं तालाब बावड़ी है क्या उनका जीर्णोद्धार हो सकेगा। आप खबर के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खबर को लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं हूं कमलाकांत मिश्रा इंडियन टीवी न्यूज से। आप सभी इंडियन टीवी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कौन सा कार्यक्रम नचना ग्राम पंचायत में होने जा रहा है? आज 11 जून 2024 को मंगलवार के दिन में हमारे ग्राम पंचायत नचने में चौमुखनाथ स्थल में तालाब का जीर्णोद्धार होना है जिसमें से जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो हमारा प्राचीन तालाब है उसके लिए हमारे माननीय विधायक जी द्वारा निधि दी गई है और उससे तालाब का जीर्णोद्धार, उसकी साफ सफाई, उसका संरक्षण संवर्धन करने के लिए और जल को साफ स्वच्छ बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कौन कौन शिरकत करने जा रहा है? आज हमारे विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के लाडले विधायक माननीय राजेश वर्मा जी यहाँ पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी ग्रामीण जन और गांव की जनता, जनता जनार्दन, यहाँ के सरपंच, यहाँ के जनपद पंचायत के सीओ और जनपद पंचायत अध्यक्ष सभी लोगों के साथ एक साथ मिलकर हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष सब मिलकर इस जल संवर्धन कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थित प्रदान करेंगे। आप हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से परिचित होंगे। मैं परमानंद शर्मा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हूं और आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सतत विकास के कार्यों की ओर अग्रसर है और आप के चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आपने हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र में पहुंचकर हमेशा विकास के कार्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की है। इसके लिए इस चैनल को और साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। तहत आप पहुंचे हुए हैं, क्या कार्यक्रम है, कौन कौन आ रहा है इधर? हमारे जिला सीओ आ रहे, विधायक माननीय विधायक जी आ रहे हैं। क्या विधायक जी? विधायक जी आ रहे जीर्णोद्धार करने के लिए, तालाब है, पुराने कुएं हैं। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत नचने में चौमुखनाथ इस पंचायत में पहुंचे सभी हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा सब आ रहे हैं, इसलिए सब लोगों का जुड़ाव है यहाँ। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि कुआं है, बावड़ी है, ये सब तालाब है, साफ सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, तो इसकी साफ सफाई के लिए बुलाया गया है
विधायक जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सब लोग पहुंच रहे हैं। इस विषय में कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सब लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आएँ और अपना सेवा का श्रमदान का सेवा करें। और अभी श्रमदान करेंगे भी आप लोग? हाँ बिल्कुल, विधायक जी के साथ हम लोग भी करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? संजय मिश्रा, ग्राम महारामपुर मंधा। क्या पद है आपका? पद है मेरा महामंत्री। आप क्या कहना चाहेंगे? ये विधायक जी आने वाले हैं और श्रमदान होगा यहाँ पे पूरा। अपना क्या है कि साफ़ सफाई चलेगी यहाँ की, ये अपना तालाब वगैरह है तो इसको साफ सफाई होना है मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार, तो वही कार्यक्रम होना है जी। कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होने की संभावना? यहाँ करीब 150-200 लोग के ऊपर होंगे, ज़्यादा ही हो जाएंगे जी। और पंचायत द्वारा क्या व्यवस्था की गई? पंचायत द्वारा ये टेंट वगैरह लगाया गया है, कुर्सियाँ वगैरह अरेंज की गई हैं, बॉटल्स वगैरह, पानी वगैरह सब सवार जी। धन्यवाद जी जी। आने में कोई का 16 जून तक चलेगा। 16 जून तक आप लोगों के सहभागिता की बहुत जरूरत है। आप लोग आगे आइए और हमारे पुराने जितने जन संरचनाएं हैं उनको हम अपने मूल स्वरूप में लाएं और उनको उपयोगी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रयास से एक नई योजना इस विधानसभा क्षेत्र में संचालित हुई। हम छोटे छोटे काम इसलिए चला रहे हैं नमामि गंगे के माध्यम से, ये हमारे जो तालाब है जो बहुत पुराने तालाब है और ये तालाब है जो आज कहीं ना कहीं मरणासन की स्थिति में है। अगर हम इस गांव में किसी से बात करें कि आज से 40 साल पहले इस तालाब की, तो सब लोग कहेंगे विधायक जी फुल भरा रहता था, बहुत पानी रहता था, लेकिन आज ये स्थिति है कि तालाब हमारा सूखता चला जा रहा है। तो आज पुनर्जीवित करने के लिए ये योजना आपके बीच में संचालित की है। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में, नगरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सब जगह संचालित है। अभी सीओ साहब ने हमें बताया कि 10 लाख रुपए पिचिंग के लिए सरकार के द्वारा इसमें दिया गया। तो एसडीओ साहब है क्या यहाँ पे? एसडीओ साहब, इंजीनियर साहब, दो ही जने आ जाओ। एसडीओ साहब, जो पिचिंग हो रही है, ये पिचिंग कैसी होती है? ऐसे ही होती है कि इसका तरीका और भी है क्या? हमें तो पत्थर जो आपका ऐसा लगा है वो ऐसे ही लगता है क्या पिचिंग में? हम जो करें आप बताओ, आपने पत्थर लिटा के लगाया है, पत्थर कैसा लगता है पिचिंग में? पत्थर ऐसा लगता है आड़ा, एक के ऊपर एक लगता है पिचिंग में। दुनिया में सबसे अच्छी अगर तालाब कोई बनाता है तो एरिगेशन बनाता है, सबसे अच्छी पिचिंग अगर कोई करता है तो एरिगेशन करता है। एक बार आप देख लो TSS TVET में आपके क्या है, क्योंकि जो पत्थर आपने लगाया है ये पत्थर से पानी शक्य जाएगा, और अगर आप पत्थर के ऊपर पत्थर लगाएंगे जो पिचिंग कहलाती है तो शायद ज्यादा बेटर रहे। और आप देख लो आपके TSS TVET में आपने क्या लिया है, हमें भी TSS TVET की काफी आप उपलब्ध करा दें। लीफा पोती बिल्कुल ना हो, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इस पर हमारी अच्छी खासी नजर है। और आपसे अनुरोध है, इंजीनियर साहब से अनुरोध है कि नीचे स्तर पे पैसा कराया है तो काम होना ही चाहिए। अगर जो TSS TVET में है वो काम आपको यहाँ पे करना है, गांव के लोग भी संतुष्ट रहे। यहाँ पे श्रमदान के लिए भी हम ही सीओ साहब ने भी आप सब लोगों को बताया, हम भी आग्रह करना चाहते हैं कि अभी शायद 10-15 दिन पानी नहीं मिलेगा, तो अगर हम गांव के अंदर में रोज ये सब लोग आपस में मिलकर प्रयास करें कि हम परिवार के साथ में हम श्रमदान इस तालाब के अंदर करेंगे, अगर परिवार के साथ श्रमदान करेंगे तो ये तालाब भी हमारा और गहरा भी होगा। ये हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार ने कहीं ना कहीं, हमें वो दिन भी याद है कि जो योजना उनकी चलती थी वो योजना सिर्फ लपेटने की योजना है। आज की जो योजनाएं चल रही है, हम नीचे जब गांव के अंदर जा रहे हैं और हम प्रधानमंत्री आवास देखते हैं तो लोग भाई, लंबे लंबे हो ना।
भैया खाली भेजते जाओ, एक जने खाली तसला लाओ जाओ। विधायक जी आ रहे हैं आज, हाँ हम आपके कुछ क्षण में आने वाले हैं, गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा जी। हाँ हाँ, तो क्या उद्देश्य है उनके आने का, आप लोगों की क्या मांग है यहाँ? हम लोगों की यही मांग है, यहाँ पर जल सुरक्षित सबको मिल रहा है और गरीब आदमियों को भी मिले, और दो नाले हैं जिससे गरीब आदमी उस पार जाने में टोहनों से घुस जाते हैं, दिक्कत जाती है। किस पार जाने में? उस पार भी बस्ती है। अच्छा, दूसरा मोहल्ला। हाँ, उसी चीज को विधायक जी से बोलना है कि मतलब इस समस्याओं को हल करें। और विधायक जी ने पूर्व में भी यहाँ पर तलैया निर्माण करवाया था, रोड निर्माण करवाया था, वर्तमान विधायक जी पूर्व में 2009 में। अच्छा, जो तो, अभी हैं जी, जो अभी हैं जी राजेश वर्मा, और यहाँ की जो भी गरीबों की समस्या होती है वो सॉल्व करते हैं, उन तक अगर वो बात पहुँच गई तो। पट्टे के लिए अभी बात किया था, तो पट्टे के लिए भी उन्होंने कहा कि हमने ऊपर बात किया है, पूर्व में यहाँ कांग्रेस द्वारा जो वितरण किए गए थे वो फीट नहीं है। और जो आज विधायक जी आ रहे हैं, उनका आने का उद्देश्य यहाँ क्या है गांव में? जनसंपर्क कर समस्या सुधारना और जल स्रोत के विषय पर जानकारी देना और जल संरक्षण करने की समस्याएं। हाँ, जल संरक्षण की योजना को विस्तार करना। अच्छा अच्छा, जी आपका नाम? हमारा नाम संतोष सोनी है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? बूथ अध्यक्ष हैं जी। कहाँ के रहने वाले? गंज। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, क्या शासन और प्रशासन के प्रयास से गांव में क्षेत्र में जो तालाब है, कुआं बावड़ी है, सफाई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। आज हम लोग भी सब निकले हैं, 5 जून से 16 जून तक कार्यक्रम ये चलने वाला है। ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर शासन के द्वारा राशि भी स्वीकृत की गई है। हम सब लोग जा रहे हैं नीचे स्तर पर, जनता का सहयोग लेके गहरीकरण के काम भी हम कर रहे हैं, स्वच्छता के काम भी माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। और एक अनूठी पहल है कि कम से कम जो हमारे पुरानी हमारी धरोहर थी जो खत्म हो गई थी, उनको हम पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है, आपने आज 2-4 गांव में भ्रमण किया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, चुनाव जीतने के बाद में तो हम 2-3 चक्कर लगे, लेकिन चुनावी संपर्क था, हमारा चुनाव हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी बन गई, तो ये नमामि गंगे का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद में हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन से मिलके, जिस गांव में आप आए हुए उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलता रहा है, और यहाँ के लोगों ने बताया कि वो एक दूसरा टोला है, इस टोले से उस टोले जाने में बड़ी समस्या। ठीक कह रहे हैं आप, ये समस्या है, लेकिन इसको हम जल्दी इसका समाधान करेंगे, आवागमन का मार्ग हमारा जल्दी चालू होगा। धन्यवाद। जल गंगा संवर्धन अभियान का कार्यक्रम आज जो है नचना पंचायत मथा चौमकनाथ में, और इसके अलावा जो है विधायक जो डॉक्टर राजेश वर्मा है जो जिन्होंने शिरकत की है थी, और इसके अलावा है जिला पंचायत जनपद सीओ गुनौर थे और भारतीय जनता पार्टी के अनेक समर्थक थे आज जो है। इसके अलावा विधायक जी द्वारा जो है अधिक जनादेश मिलने के कारण बिरहा मंटोला गाँव में जो है लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है और यहाँ की लोगों की समस्याएँ सुनी जा रही हैं और समस्याओं का तत्काल निराकरण भी किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आपको हमारे द्वारा अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप सभी इंडियन टीवी न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।